हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिंहासन बनाने के लिए कार्डबोर्ड के 4 पीसेस लिए हैं और इसको ग्लू लगा के अच्छी तरह से आपस में स्टिक कर दिया है। इसके ऊपर में ग्लू लगाएंगे और फोम को स्टिक कर देंगे। अब इसको कपड़े से अच्छी तरह से कवर करेंगे, कॉर्नर से इस तरह से कट्स लगा देंगे, ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे और कवर कर देंगे। इसमें 4 नंबर तक के कृष्णा जी को बिठा सकते हैं। इस तरह से इसको कवर कर लिया है। ये राउंड वाला कार्डबोर्ड कट किया है, इसके 2 पीसेस को आपस में स्टिक किया है। छोटे पीसेस को भी 2 पीस लिए हैं, इनको भी इसी तरह स्टिक कर लिया है। अब इन दोनों को कपड़े से कवर कर देंगे। कवर करने के लिए इस तरह से कट्स लगा देंगे और ग्लू लगा के अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। कट्स लगाने से अच्छी तरह से फिनिशिंग से स्टिक हो जाता है, लुक बहुत अच्छा आता है इससे। अच्छी तरह से ग्लू लगा के इसको स्टिक कर देंगे। ये कवर कर दिया है। दूसरे वाले कार्डबोर्ड को भी इसी तरह से कवर कर देंगे। इसमें भी 2 पीसेस लिए हैं। ये सिंहासन बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। मेरे चैनल में मैंने जन्माष्टमी के बहुत सारे क्राफ्ट बनाए हैं, आप ज़रूर चेक करें उन वीडियोज़ को। देख के आप भी बना सकते हैं बहुत ईजी अपने घर में सभी तरह की चीज़ें। दूसरे वाले को भी कवर कर दिया है। अभी बड़े वाले राउंड में इस तरह से ग्लू लगा के ये बीड्स वाली लेस ली है, ये बड़े वाले बीड्स हैं। ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह से राउंड में स्टिक करते जाएंगे। लेस इस तरह से बैक की तरफ आएगी और बीड्स सामने की तरफ आएंगे। पूरे राउंड में इसी तरह से स्टिक करते जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए। इस तरह से इसको राउंड करते हुए स्टिक करेंगे। ये इस तरह से स्टिक कर दिया है, ये तैयार है। और दूसरे वाले छोटे वाले राउंड में भी इसी तरह से ग्लू लगाते जाएंगे और इसको रोल करते हुए स्टिक करते जाएंगे। इस तरह से बीड्स सामने की तरफ ही आनी चाहिए, इस तरह से स्टिक करेंगे। इस सिंहासन को बनाना बहुत ही इजी है। जन्माष्टमी में आप ज़रूर बनाएं इस तरह का सिंहासन अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, कृष्णा जी के लिए, और जन्माष्टमी डेकोरेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ही कवर कर दिया है। इसमें बैक की तरफ अच्छी तरह से ग्लू लगाएंगे, ये छोटा वाला सर्कल है, और इसको बड़े सर्कल में इस तरह से स्टिक कर देंगे। सेंटर में स्टिक करेंगे, इस तरह से स्टिक कर दिया है। आसन में इस तरह के लेग स्टिक करेंगे। मेरे पास थे तो मैंने इसमें गोल्डन कलर कर दिया है। अगर नहीं हो आपके पास तो इस तरह के ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी कलर कर दिया है। इसमें नीचे साइड में अच्छी तरह से ग्लू लगा के इनको स्टिक करते जाएंगे। लेग्स लगाने के बाद सिंहासन बहुत अच्छा दिखता है। इस तरह से ये स्टिक भी रहेंगे। किसी भी बॉटल के ढक्कन को भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। स्टिक कर दिया है, इसको डेकोरेट करेंगे। इसमें लेस स्टिक कर रही हूँ, ये फ्लावर वाली लेस है। ये लेस लगाने के बाद सिंहासन और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तीन तरफ इस लेस को स्टिक करेंगे। अच्छी तरह से ग्लू लगा रही हूँ ताकि लेस निकले नहीं। इस तरह से स्टिक कर देंगे, एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब ये जो सिंहासन के बैक वाला हिस्सा है, इसको पिन की हेल्प से इस तरह से अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। इसको स्टिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये पीछे वाला हिस्सा बहुत हैवी है, ये स्टिक नहीं होगा, इसलिए इसको आप यूज़ करने के लिए इस तरह से पिन से फिक्स कर देंगे। ये 2 पिलो रेडी किए हैं मैंने। इसमें ग्लू लगा के ये फ्लावर पैच को स्टिक कर देंगे। दोनों में इसी तरह से स्टिक कर दिया है। इसमें सिंहासन में इसको स्टिक कर देंगे पिलोज़ को इस तरह से ग्लू लगा के। इस तरह से सिंहासन बन के तैयार है। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी इजीली अपने कृष्णा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं इस जन्माष्टमी में। थैंक यू।